उत्तराखंड में रामलीला का इतिहास 125 साल से भी अधिक पुराना है। समय के साथ साथ रामलीला के मंचन में कई परिवर्तन आए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि लड़कियां रामलीला के सभी किरदारों का अभिनय दमदार तरीके से निभा रही हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की कसौटी पर खरी उतर रही हैं। रामलीला के मंच पर अभिनय करती लड़कियों की ये तस्वीरें हल्द्वानी की है। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत व शत्रुघ्न, शबरी, मंदोदरी जैसे दमदार किरदारों की रामलीला के स्टेज पर सरलता से निभाकर जनता की वाहवाही लूट लड़कियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर उनको किसी क्षेत्र में मौका दिया जाए तो वो अपना लोहा मनवाने में पीछे नहीं हटेंगी। रामलीला में अभिनय करने वाली सभी लड़कियां अभी पढ़ाई कर रही हैं। बड़ी बात तो ये है कि इन सभी लड़कियों ने पहली बार मंच पर रोल किया। बेझिझक रामलीला के मंच पर अपने डायलॉग से जनता का मन मोह लेने वाली बेटियां कहती हैं कि रामलीला के स्टेज पर अभिनय करना बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेटियों को आगे बढ़ाने की शानदार पहल है। अगर उनको मौका मिला तो वो आगे भी दमदार अभिनय करेंगी। गर्ल्स को भी आगे मिलना चाहिए स्टेज, बॉयज को हर जगह मिलता है, बट ये कुछ नया है जहाँ पे गर्ल्स को स्टेज प्रोवाइड हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे कुछ गर्ल्स नहीं कर सकते, बॉयज कर सकते हैं, सब चीज़ इक्वल हो रही है, तो ये भी अच्छा है। इसमें भी गर्ल्स को आगे मौका मिल रहा है, तो मैं तो बोलती हूँ कि अगर मतलब ये चलता है, अगर अच्छे से कर पाए तो कराएं इसको आगे, वो चीज़ अच्छी है। पंचेश्वर महादेव मंदिर रामलीला कमेटी से जुड़े लोग बताते हैं कि नवरात्र में कन्या पूजन होता है और सभी कन्याएं माता का स्वरूप होती हैं। ऐसे में रामलीला मंच पर अभिनय का मौका मिलने से सब बेटियां बेहद खुश हैं। ये कदम महिला सशक्तिकरण की तरफ है। हमारी रामलीला कमेटी, पंचेश्वर रामलीला कमेटी ने सोचा कि इस बार जो हमारी बच्चियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको रामलीला में लाया जाए। ये एक कदम महिला सशक्तिकरण भी है और ये जो हमारी रामला है, इस टाइम पे नौ दुर्गा के रूप में मनाई जाती है, नवरात्रे आते हैं और माँ दुर्गा के रूप में इन बच्चों को पूजा जाता है। और कमेटी का मानना है कि अगर माता को खुश करना है तो हमारे बच्चे जो हैं ये माता का स्वरूप है, ये बच्चे खुश हैं, खुल के आ गए हैं और ये मंच में अच्छा अच्छा सा रहे हैं। इनका इससे हमारे संस्कृति, हमारे जो ये अपने कुमाऊँ के वो हैं, उनको पहुँचें, मिलें, बच्चों को संस्कार मिलें और इनसे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों को मैसेज जाए कि हम और बढ़िया बेटर कर सकते हैं। ये कमेटी से सोच करके आगे काम करने की जा रही है। कुछ साल पहले तक रामलीला में महिला किरदारों का अभिनय भी लड़के किया करते थे, लेकिन अब बेटियां ही सभी किरदार निभा रही हैं। पहाड़ की रामलीलाओं में बेटियों के रंगमंच पर उतरने से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी नजर आ रहा है। दशकों से पहाड़ी क्षेत्रों में कामकाज की रीढ़ माने जाने वाली बेटियां अब उत्तराखंड की संस्कृति, रामलीला मंचन को बचाने की जिम्मेदारी उठा रही हैं। इसको महिला सशक्तिकरण के रूप में, बेहतर कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।